संगम नगरी प्रयागराज में आज अनोखा संगम लगा है। मौका है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पूरा छात्र सम्मेलन का, जहां देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर मेडिकल कॉलेज कैंपस में पहुंचे हैं। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों सहित भारत के कई राज्यों से डॉक्टर आए हैं। पूरा मेडिकल छात्रों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। कैंपस में बकायदा इस अवसर पर एक मार्च भी निकाला गया, जिसमें सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट और बग्घियों पर सवार के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमता डॉक्टरों का यह नज़ारा सभी को पुरानी यादों से लबरेज कर रहा है। हर कोई अपने अपने छात्र जीवन की यादों को ताजा कर उस दौर के सहपाठियों से बड़े ही गर्मजोशी से मिल रहे हैं। पूरा छात्र सम्मेलन के इस संगम में मेडिकल कॉलेज के 9वें बैच का गोल्डन जुबली और 34वें बैच का रजत जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं डॉक्टर ए के गुप्ता और डॉक्टर कृष्णा मुखर्जी को उनके चिकित्सा सेवा की उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। मेडिकल कॉलेज के इस पूरा छात्र सम्मेलन में देश विदेश से आए डॉक्टरों का कहना है कि 25 सालों के बाद जब आज कैंपस में कदम रखा तो वह पुरानी छात्र जीवन की यादें ताजी हो गई। तो कई पुराने दोस्तों के साथ मिलकर वो मजा आया तो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज क्या लग रहा है? हमने सन 1994 में यहाँ एंट्रेंस किया था और आज हम ठीक 25 साल बाद हम सब सारे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं, तो आज हमें ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे आज हम फिर से वही बचपन बच्चे बन गए हैं। लेकिन एक खुशी हो गई कि हम उस टाइम बच्चों के साथ आए थे, आज हम अपने बच्चों के साथ आए हैं, लेकिन दिल तो बच्चा है, आज फिर से हम बच्चे बन गए। बहुत मैं डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव फ्रॉम बरेली। आज हम लोग की एक अलग से फीलिंग हो रही है पुराने दोस्तों से मिल करके, वही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। लग ही नहीं रहा, एहसास ही नहीं हो रहा कि हम अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, लग रहा फिर से वही एक बच्चे बन गए हैं। वही हॉस्टलर की लाइफ, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, हमारे सीनियर्स मिल रहे हैं तो आज हम उनको भी उसी स्टाइल में कर रहे हैं जिस स्टाइल में पहले मिलते थे। एक अलग से फीलिंग हो रही है कि मतलब क्या हम उसको कुछ शब्द में भी नहीं बयान कर पा रहे। जो खुशियाँ आज आप ये देखिए, क्या माहौल हो रहा है, येलो 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 सब तरफ एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है। सो प्लीज़, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमारे सारे दोस्तों का, खासतौर से ऑर्गेनाइजर्स ने इतना अच्छे से यहाँ हमको प्लान करके दिया है, वेल मैनर करके, इसकी एक अलग से फीलिंग हो रही है। वाओ, हिप हिप हुर्रे, 34th बैच, या हुर्रे, थैंक यू। सो हम 20 साल पहले कैंपस से 5-6 हुए थे और इस समय हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ से आए हैं, और फीलिंग की तो बात ही मत पूछिए। मतलब जैसे जिस दिन एडमिशन लिया था उसी तरह का माहौल लग रहा है कि अच्छा आज फिर से एडमिशन लेने आए हैं। बाकी इसको बयान नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, जीना पड़ेगा उस माहौल को। जी रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। रात में हम लोगों ने साथ में, जैसे हम लोग हॉस्टल में खाना पीना खाते थे, खाया गया, फिर अपने अपने कमरों में जाके सब एक साथ बैठ के बातें करते थे, तो हमने रात 2 बजे तक सब वही बातें उसी तरह से अब सारे अपने मित्रों के साथ बैठकर की कल रात। हाँ, अलग अलग अनुभूति, मतलब डेजा वू लगता है कि हमने पुरानी अपनी तस्वीरों से आज की तस्वीरों से कंपेयर किया तो सिर्फ वो थोड़ी ब्लैक एंड वाइट से कलर हो गई हैं और थोड़े बहुत किसी के बाल कम हो गए हैं, बाकी सब वैसे का वैसा ही लग रहा है। गमजोशी से मिले।